नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने पर नीतीश कुमार ने कहा, हमारे दल के लोग भाजपा के दिए गए प्रस्तावों पर सहमत नहीं हैं। हम सांकेतिक भागीदारी में रुचि नहीं रखते हैं। बताया जा रहा है कि मनमाफिक मंत्री पद नहीं मिलने से जेडीयू नाराज हो गई है। बता दें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बिहार में 16 सीटें जीती हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी मंत्रिमंडल में भाग लेगी, लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक पहले नीतीश कुमार ने अपना फैसला बदल दिया। हालांकि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा में फिर से दूरियां बढ़ गई। नीतीश भले ही शपथ ग्रहण में शामिल हुए हों, लेकिन मंत्रिमंडल में उनका शामिल न होना उनकी नाराजगी को दर्शाता है। नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते पिछले कुछ सालों में धूप छांव की तरह रहे हैं। आइए नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। जब केंद्र में अटल की सरकार थी, तब जेडीयू के तत्कालीन नेता शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और खुद नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और केंद्र में तब तक यूपीए की सरकार आ गई थी। शरद यादव उसके बाद भी लंबे समय तक एनडीए के संयोजक बने रहे। बता दें, जेडीयू 1999 के आम चुनावों के पहले ही अस्तित्व में आ गई थी। इस बीच कई राजनीतिक उठापटक हुए और 2003 में शरद यादव की अगुवाई वाले जनता दल, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली समता पार्टी और लोक शक्ति पार्टी का एक साथ विलय हुआ और जेडीयू अपने अस्तित्व में आई। अटल कैबिनेट में जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव को बड़े मंत्रालय दिए गए थे। जॉर्ज रक्षा तो नीतीश कुमार रेल मंत्री बने। इन तीनों ही नेताओं को वाजपेयी कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी गई थी। इस दौरान नीतीश कुमार लालू को मात देते हुए लगातार दो बार बिहार के सीएम बने। उनकी गिनती राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में होने लगी। इस दौरान नीतीश कुमार की छवि एक उदारवादी नेता की बन गई। जिस मुस्लिम वोट बैंक को साथ लेकर लालू यादव ने बिहार में 15 साल शासन किया, वह वोट बैंक अब नीतीश कुमार के पाले में जा चुका था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना पीएम प्रत्याशी घोषित किया, तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अपने 17 साल पुराने गठबंधन से अलग हो गए। उस वक्त नीतीश कुमार की भी अपनी एक छवि थी और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के कद का नेता समझा जाने लगा था। कई विपक्षी नेताओं ने तो नीतीश कुमार को भावी पीएम उम्मीदवार भी बता दिया था और नीतीश कुमार ने सेकुलर राजनीति के मुद्दे पर खुद को बीजेपी से अलग कर लिया। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, ये भारत की राजनीति में अक्सर देखने को मिल जाता है। नीतीश कुमार ने लालू के साथ आकर इस वाक्य को जीवंत ही किया था। जेडीयू और आरजेडी ने साथ मिलकर 2015 में बिहार में सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की 17 साल की सोहबत कुछ ऐसी थी कि वे फिर साथ आ गए। अब फिर इस सफर में नीतीश कुमार नाराज दिख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जेडीयू और बीजेपी के फासले कम होंगे या बढ़ेंगे, इस पर तो फिलहाल वक्त भी कुछ नहीं बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब इनका गठबंधन समझौतों का गठबंधन है, जो कभी भी टूट सकता है। हो सकता है एक दल के रूप में ये साथ रहें, जेडीयू मंत्रिमंडल में भी शामिल हो जाएं, पर दिल का मिलना अब नामुमकिन ही लगता है।